स्वागत करता है। स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे। राजू ठाकुर जी के द्वारा मल्यार्पण किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि को। राजू ठाकुर व्यास जी के द्वारा समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों को माला उनका हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। मनु ठाकुर नामक एक बहुत ही जानबाज सिपाही जो छत्तीसगढ़ पुलिस में थे उनकी असामयिक बाद अंतिम औपचारिकता के रूप में हम 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। परिचय प्राप्त कर लें। रुद्रपुर बलिया पहले गेंदबाजी करेगी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी। रवि कुमार गेंदबाज का नाम संदीप है। गेंदबाज तो आज का ये मुकाबला आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर भुआल छपरा नौरंगा बलिया से हम आपको ये मैच दिखा रहे हैं और इस समय बल्लेबाजी के लिए माधोपुर के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और क्षेत्र रक्षण का काम रुद्रपुर बलिया की टीम कर रही है। रुद्रपुर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तो ये मुकाबला भुआल छपरा नौरंगा बलिया से आप देख रहे हैं। श्री फेगू बाबा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट। हेलो पहली गेंद बहुत ही शानदार लंबा ऊंचा शॉट, उस पर फील्डर नहीं है, दौड़ रहे हैं लेकिन देख नहीं पाएंगे। इस बीच दौड़ते हुए रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, रन आउट का मौका वहां पे लेकिन अंपायर ने इसको नकारा। 2 रन सफलतापूर्वक पूरा किया, साथ ही खाता खोला अपनी टीम का माधोपुर भोजपुर की तरफ से अमृत ने। आगे ही अपना सहयोग और समर्थन ऐसे ही बनाए रखेंगे। अगली गेंद रामपुरुष हाथ के तेज गेंदबाज अमृत को इस बार उसी अंदाज में फिर से खेला। पहला हुआ कोई गलती नहीं की, शानदार तरीके से गेंद को लटका और पहले विकेट का पतन होता हुआ माधोपुर भोजपुर का 2 रन के स्कोर से पहला विकेट गिरता हुआ। तेज कदम के साथ चलते हुए अंपायर को पार किया। अगली गेंद गेंद को किसी भी तरह से संदीप की अगली गेंद लगातार विकेट कीपर के द्वारा शानदार कैचिंग कट बिहाइंड हुआ, वहां विकेट कीपर ने शानदार तरीके से सफलतापूर्वक उसको कैच कर लिया। लगभग अमृत के ही अंदाज में जो पहला विकेट गिरा था दूसरा विकेट का पतन होता हुआ रंजन भी बगैर खाता खोले 0 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन निराश कदमों से लौटते हुए क्या शानदार सफलता अपनी टीम को दिलाई है। रंजन के आउट होने के बाद धनु आए हैं, पहले ही ओवर में विकेटों का पतन बसंत के मौसम में जो पतझड़ होता है उसकी ही तरह हो रहा है। तू चल मैं आया की कहानी शुरू हो चुके हैं इस मैच में भी। संदीप कुमार पहले ओवर में 2 विकेट लेकर काफी उत्साहित, 12-12 ओवर के इस मैच में शुरुआती 3 ओवर पार कर लेके संदीप अगली गेंद धनु के लिए तीसरी सफलता पहले ही ओवर में। क्या शानदार बॉलिंग संदीप के द्वारा लगातार विकेट उखाड़ते हुए और साथ ही कमर भी तोड़ते हुए भोजपुर की माधोपुर की टीम को 2 रनों पर ही 3 विकेट उखाकर संकट की स्थिति में ला दिया है भोजपुर को। सामना करेंगे रवि
बहुत ही ढीली गेंद थी, काफी छोटी लंबाई की गेंद थी, गेंद को मारने का प्रयास था लेकिन संपर्क नहीं हुआ। खराब गेंद को नसीहत देनी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्यवश संपर्क नहीं हुआ। तीन विकेट गिर चुके हैं, केवल दो रन के स्कोर पे, एक ओवर दो विकेट, दो रन तीन विकेट। अगली गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई के लगभग गई, कोई जवाब नहीं था रवि के पास इस गेंद का। काफी संकटपूर्ण स्थिति में फिर से राजा बाएं हाथ के दंड गेंदबाज, इस बार गेंद को उठाए उसे फील्डर है इस राजा कुमार की। तीन गेंदों में दो गेंद तो लगभग राजा की, इस बार गेंद को उठाया है सर फील्डर, दौड़ रहे हैं, एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। तीसरा रन अंदाजा लगा सकते हैं कितनी संकट की स्थिति में है भोजपुर। अगली गेंद, इस बार गेंद को उठाया है सर फील्डर, नहीं है दौड़ रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि दर्शक ही बनेंगे वो फील्डर और पहला चौका मिलता हुआ भोजपुर को संजय के बल्ले से। जिस तरह की कद काठी के हैं संजय कुमार, बिल्कुल क्रिस गेल और किरण पोलार्ड की तरह की कद काठी है इनकी। एक बार फिर से संजय, गेंद को सम्मान दिया, ओवर समाप्त हुआ दूसरा। दो ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन है कुल स्कोर भोजपुर का, लेकिन 3 विकेट उसके आउट हो चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाज कट बिहाइंड हुए और एक बल्लेबाज जो है वो चल रहा है। एक बार फिर से संदीप कुमार ने अपनी टीम को चौथी सफलता दिला दी, 4 लगातार सफलताएं अपनी टीम के लिए। 4 संदीप की अगली गेंद का, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद, अच्छी तरह से गेंद को प्लेट किया, केवल खेला, रन की कोई मंशा नहीं थी, अभी भी कोई रन नहीं। 7 रन 4 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर चल रहा है। जो दर्शक देर से आए हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि उद्घाटन मुकाबला हो रहा है रुद्रपुर बलिया और माधोपुर भोजपुर के बीच। टॉस जीता रुद्रपुर ने लेकिन बल्लेबाजी करने का न्योता दिया भोजपुर को। इस बार गेंद को खेला उसे फील्डर, दौड़ रहे, एक रन आसानी से पूरा कर लिया, गैप में थी गेंद और एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। धीरे अब स्ट्राइक संभालेंगे संजय कुमार, एक चौका लगा चुके हैं अपनी छोटी सी पारी में। संदीप की अगली गेंद, इस बार संजय को खूबसूरत तरीके से गेंद को प्लेट किया लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, संभल कर खेल रहे संदीप कुमार। अपनी टीम की स्थिति को देखते हुए काफी वरिष्ठ बल्लेबाज हैं, काफी दिनों से, बहुत दिनों से क्रिकेट खेलने का अनुभव उनके पास है कि अच्छी स्थिति में शुरुआती 4 सफलताओं के बाद अगली गेंद, अंपायरों पर गेंद को सफलतापूर्वक कैच करने का चाहिए, करना भी है। अगर पहले ही मैं बता चुका हूं कि पूरी खेल भावना का परिचय दीजिए आप लोग, आउट है सो है, नहीं है सो नहीं है। और जहां तक बात है खेल की तो काफी अच्छा खेल दिखा है रुद्रपुर ने। संदीप की अगली गेंद, एक बार फिर से संजय को ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 8 रन 4 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर। इस क्रम के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। इस बीच चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर बाएं हाथ से राजा कुमार टिंकू को, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद कमर से भी थोड़ी सी हल्की सी अधिक ऊंचाई की गेंद थी, कोई जवाब नहीं था टिंकू के पास, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। अभी भी 8 रन 4 विकेट चौथा ओवर जारी। राजा बाएं हाथ के गेंदबाज तार को पार करके ये गेंदबाज फिर से टिंकू को, टिंकू ने इस गेंद को खेला है उस ओर फील्डर, गेंद को फील करेंगे, तब तक एक रन आसानी के साथ दौड़ते हुए पूरा किया।
इस एक रन धीरे धीरे बढ़ता हुआ 9 रन, चौथा ओवर अभी भी जारी। राजा कुमार शानदार लगातार अच्छी गेंदबाजी, लाइन में पकड़े हुए बाधे अंपायर को पार किया। इस बार लंबा ऊंचा शॉट उड़ाने का प्रयास है लेकिन फील्डर के सीधे हाथों में और संजय कुमार भी 5वें विकेट के रूप में आउट होकर पवेलियन की ओर लौट रहे हैं। निराशाजनक प्रदर्शन अभी तक रहा है भोजपुर की टीम का, 5 विकेट, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। राजा का चल रहा है 1 विकेट, ये भी निकाल चुके हैं अगली गेंद। बहुत ही अच्छा सा दूसरे फील्डर है, पहले गोल्ड की तरफ गेंद को अच्छी तरह से फील्ड किया गया लेकिन एक रन लेकर पेनू ने अपना खाता खोला, साथ ही टीम के स्कोर को 10 के आंकड़े पर पहुंचाया। 10 रन 5 विकेट, चौथा ओवर जारी है, 5 विकेट आउट हो चुके हैं केवल 10 रनों के स्कोर से। बहुत ही लचर खराब और निराशाजनक शुरुआत भोजपुर की ओर से। राजा कुमार बाएं हाथ के गेंदबाज पार को पार किया ये गेंद। इस बार गेंद को खेला उत्तर फील्डर है, देखना गेंद को कैच, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को कैच कर लिया गया, कोई भी गलती अभी तक नहीं की है रुद्रपुर बलिया की टीम ने। दूसरी तरफ भोजपुर की ओर से लगातार गलतियां जारी है, लचर प्रदर्शन जारी है, 6 विकेट आउट हो चुके हैं। पहली गेंद 5 ओवर की टप्पा खाने के बाद नीचे रहती है, थी गेंद को किस पर गैप तक खेला पेनू कुमार ने, इसी तरह के शॉट्स की जरूरत, लेकिन बीच बीच में हर एक गेंद चौके या छक्के के लिए नहीं लगाई जा सकती। बहुत ही अच्छा शॉट था पेनू कुमार का, खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया, इस चौके की सहायता से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 14 पे जा पहुंचा है भोजपुर का। गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलिए, सही क्रिकेट वही होती है। अगली गेंद एक बार फिर से खराब गेंद लेकिन उसे फील्डर है और 7वें विकेट का पतन पेनू के रूप में होता हुआ। क्रिकेट में हर गेंद पे चौके या छक्के नहीं लगाए जाते लेकिन कमेंटेटर के विभाग भाई सुनता कौन है, केवल 3 विकेट शेष है। अगली गेंद लगभग 8वें स्टंप में गेंद थी, ऐसे ही वाइल्ड का एक रन मिल जाता, इस एक रन के साथ 15 रन, 7 विकेट गिर चुके हैं। किसी भी खिलाड़ी के पास वो धैर्य वो क्लास नहीं है जो दिखाना चाहिए भोजपुर की टीम के पास। बहुत ही अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट स्क्वायर लेके बीच में, गेंद को आसानी से गैदर किया, 1 रन 16 रन है कुल, अतिरिक्त रन नहीं। इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल जानी चाहिए और निश्चित रूप से चौका मिलेगा यहां। इस चौके की सहायता से खराब गेंद थी उसको पूरा नसीहत उसे दिया उस गेंद को और चौके की सहायता से उसको धीरे धीरे बढ़ता हुआ 20 रन पर पहुंचा है। 8 रन 1-1, 2-2 रन के हैं, अच्छी तरह से गेंद को खेला। इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति हो गई, 5 ओवर की समाप्ति के बाद भोजपुर टीम का कुल स्कोर 20 रन। दीप अपना 3रा ओवर लेकर आते हुए इस बार गेंद को खेला, बाएं हाथ के बल्लेबाज मिसफील्ड हुए, कोई रन नहीं। संदीप एक बार फिर से अंपायर को पार किया, तेज कदम के साथ चलते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज को फिर से गेंद, गेंद को धीरे से टैप किया। इस टूर्नामेंट का वो पीरो और बलिया के बीच, पीरो और बलिया के बीच जो है ये दूसरा मुकाबला परसों यानी बृहस्पतिवार को होगा।
होगा इसमें संदेह। संदीप की अगली गेंद इस बार अच्छा शॉट जिसे ग्राउंड शॉट कहते हैं, बहुत ही अच्छा शॉट था क्रिकेट के खेल में, बहुत ही टीम को बहुत ही शानदार शुरुआत दी है, बहुत शानदार गेंदबाजी की है। कितना इस साझेदारी को आगे बढ़ा पाते हैं इसमें संदीप। इस बार गेंद को खेला है उस ओर फील्डर है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ से गेंद को फील किया जाता है इस बीच एक रन आसानी के साथ। 23 रन 7 विकेट ये है लेखा जोखा भोजपुर के बल्लेबाजी का, क्या कर पाते हैं। पहली गेंद सातवें ओवर की बहुत ही शानदार गेंद, ओवर पिच गेंद थी, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में गई, कोई जवाब नहीं था। इस बार बल्ले से खाइए रन लेग बाई के रूप में ये रन मिला, अतिरिक्त के रूप में यह पहला रन हुआ भोजपुर के लिए 24 इस सिंगल के सहारे कुल स्कोर हुआ 24। सातवां ओवर अभी भी जारी, साबिर की अगली गेंद राउंड विकेट बहुत ही गेंद आठवां विकेट गिरा भोजपुर का आठवां विकेट गिरता हुआ, इसी के साथ साधु ने भी अपनी क्षमता दिखा दी है, अपनी काबिलियत दिखा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो देखा जाए तो पूरी तरह से टीम वर्क टीम गेम के रूप में रुद्रपुर बलिया की टीम ने अपनी महारत यहां दिखाई है। 24 एक रन मिलेगा उनको लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, समीर की स्लोवर डिलीवरी का अंदाजा बल्लेबाजों को नहीं चल पा रहा, इस तरह से समीर के ओवर समाप्त होता हुआ 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन संख्या है केवल 25 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद आठवें ओवर की बहुत ही अच्छा शॉट लगा उस पर, कोई फील्डर नहीं, शानदार चौका, खराब गेंद थी पूरी तरह नसीहतों को अच्छी अच्छा रास्ता दिखाते हुए कि आपका रास्ता आपकी राह इस तरफ है, चौका मिल गया इस चौके की सहायता से 29 रन। लड्डू की अगली गेंद आठवें ओवर की एक बार फिर से टप्पा खाने का नीचे रहती गेंद थी, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक दिखाई है संक्षिप्त पारी में इस बल्लेबाजी, से कम 60 तक पहुंचे। अगली गेंद गेंद को खेलकर एक रन तेजी के साथ छुड़ाना चाहते थे लेकिन चपलता पूर्वक क्षेत्र रक्षण किया वहां साबिर ने, यानी 24 गेंदों का खेल शेष रहेगा। बहुत ही अच्छा शॉट जिसकी प्रतीक्षा जिसका इंतजार पहले ही ओवर से दर्शकों के साथ, शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को पहले छक्के का दर्शन कराया है यहाँ तमाम उपस्थित दर्शकों को भी। 36 रन इस बीच अगली गेंद फिर से शानदार शॉट उसे फील्डर है और शानदार तरीके से कैच कर लिया है, उनकी फील्डिंग की रुद्रपुर की फील्डिंग की जितनी भी तारीफ की जाए कम, क्या शानदार कैचिंग, अभी 9 विकेट का पतन होता हुआ 36 रन के स्कोर पे किसी ने निराश किया भोजपुर की तरफ से। अगली गेंद एक रन में दोनों खिलाड़ियों के गेंदों से हाथ छेद की लेकिन इतनी दूर नहीं गई कि एक रन के अलावा भी कोई रन मिल जाए, नहीं एक रन मिला, एक रन से संतोष किया। 37 रन ओवर समाप्त हुआ आठवां समाप्ति के बाद 37 रन भी कुछ गेंदों से साबित की 9 ओवर की पहली गेंद गेंद को पैर पे खेला कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं का होता है साझेदारियों का खेल है। अगली गेंद
और समीर कुमार के पास भाई एक ब्रह्मास्त्र है 16 डिग्री अच्छी तादाद में यहाँ दर्शक पहुंचे हैं इस उद्घाटन मुकाबले को देखने के लिए। समीर की अगली गेंद एक बार फिर से गेंद उनके कंधे पे लगे, इस बार भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन अभी भी केवल 37 रन स्कोर बुक पे टंगे हैं जोधपुर के राउंड दो विकेट। इस बार 16 डिग्री थी कोई फील्डर नहीं है, गेंद चौके के लिए निकल जाएगी, स्क्वायर बाउंड्री की तरफ शानदार चौका, 16 डिग्री तो थी लेकिन ये उल्टस रह गई जिसका फायदा उठा लिया, घुटने के बल पे बैठ के गेंद को शानदार चौके के लिए निकाला बल्लेबाज ने, स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे पहुंचाया 41 रन पे। इस तरह से भोजपुर की पूरी टीम ऑल आउट हो गई, केवल 41 रन बने हैं, 42 रनों का टारगेट है रुद्रपुर बलिया को, देखना है कितनी जल्दी वो इसे पूरा कर पाते हैं।